हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। काटन के दाम बढ़ाने और किसान बागवानों को मुआवजा न मिलने पर मंगलवार को जिला परिषद की मासिक बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के जिला परिषद के सदस्य सदन के बीच में आकर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और उसके बाद बैठक की कार्रवाई से वॉकआउट कर बाहर निकल गए। जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेडका ने कहा कि आज जिला परिषद की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में कोरम पूरा नहीं हो पाया। वहीं सदस्यों ने कार्टन के दाम कम करने और मुआवजा देने को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस मामले को लेकर जिला परिषद जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार से दामों को कम करने की मांग करेगी। नहीं, मैक्सिमम लोग जितने भी हमारे यहाँ पर वो चाहे भाजपा के वो भी बाइकआउट तो नहीं किया, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि हम भी आपका समर्थन करते हैं। ठीक है, हमारे जो जिला परिषद के जो कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर जीत के आए हैं, ठीक है, इन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा सरकार से आग्रह किया कि जिला जो किसानों और बागवानों का ओलावृष्टि तूफान से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला। आप देखिए कि सेब सीजन शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, सड़कों की वो हालत हो गई कि मतलब सरकार ने अभी तक सड़कें नहीं ठीक की। आप क्रेटों के देखिए, आप पेटियों के रेट देखिए, सरकार ने काम बढ़ा दिए। एक तो पहले ही किसान ऐसे मर रहा और सरकार ऊपर से उन पर महंगाई की मार डाल रही है। इसके लिए हमारे जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने अभी चार दिन पहले ही नारकंडा में शुरुआत कर दी है और उसके बाद हम भी ब्लॉक स्तर पर जिला परिषद अपने 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 क्षेत्र में लोगों के साथ धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे 15-20 दिन सीजन से पहले। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।